नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं? शाल आ जाए हैं शालीमार एंड वी आर गोइंग टू हैव अंकल जी पान मिलेगा। हाय गाइस, रोन वर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज है शनिवार का दिन, शनिवार मींस संडे का दिन, और आज होती है भाई को छुट्टी रात को। तो आज का दिन ऐसा होगा कि अभी वर्कआउट का टाइम है, वर्कआउट कर रहा हूँ। वर्कआउट करने के बाद घर जाके एडिटिंग करूँगा, आराम करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद जाऊँगा भाई को पिकअप करने के लिए। भाई को पिकअप करके उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, भाई को आज कुछ ख़रीदना है। उसके बाद संडे की रात ना भाई को चाहिए रहते पार्टी करने के लिए, क्योंकि 6 दिन काम करता है और संडे को उसको रात को पार्टी करनी रहती है। तो यूजली उसको मैं लेके आता हूँ घर पे, या फिर वो घर पे ही पार्टी कर लेता। तो आज का वीडियो इस बारे में रहेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जिम से निकला और सीधा यहाँ पर एलडी आया हूँ। एलडी में मैं मोस्टली आता हूँ फ्रूट्स लेने के लिए। वेलकम। और यहाँ पर क्या सीन है कि जब आप आते हो, थैला अगर आपके पास नहीं है तो थैले भी ये लोग बेचते हैं यहाँ पर आपको थैले। एक्सक्यूज मी, हाउ मच आर दिस फॉर? $1? ओके, थैंक यू। $1 का मतलब सोच लो आप लोग कितने हैं। तो पहले मैं आया था यहाँ पर और मैंने पहले ही एक थैली उठा ली थी यहाँ से, और मैंने बनानास ले लिए थे और सम ब्लूबेरीज ले ली थी। मुझे यूजुअली क्या अपने प्रोटीन शेक के लिए सामान चाहिए रहता है। ये है एलडी। आज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एलडी जो स्टोर है, मतलब यूजुअली ये सबसे सस्ता यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जी भाजी यहाँ पर मिल जाएगी। आज तक के सबसे ज़्यादा अंडे सस्ते मैंने यहाँ एलडी में देखे हैं। फ्रूट्स वगैरह सब मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखो, सॉरी, बड़े गुस्से में है भाई। बनानास है यहाँ पर, बनानास की रेट है 0.58 पर एलबी। और मुझे चाहिए थे बनानास, ले लिए मैंने। ब्रेड वगैरह यहाँ मिल जाती है, और इसको जानना रहेगा कि यहाँ पर कितने का सामान मिलता है। तो ये देखो, यहाँ पर एलडी हो हनी वीट ब्रेड 2.98, ये मतलब वॉलमार्ट से थोड़ी सस्ती होगी, यहाँ पर मिल जाती है। अरे क्या बात है, जूते भी है यहाँ पर। पानी 2.99 का पैक है। कितने का है? कितने इतने है? 24 पैक, 2 ले लेता हूँ। एक देखा, चेक करना बहुत ज़रूरी है, टूटा हुआ है यहाँ पर। ये एक ले लिया एंड ये दूसरा। चलो अंडे खाए जाएंगे ज़्यादातर, रख देते हैं। अंडे कितने के हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़े टाइम में। अंडे 1.69 पर दर्जन। यूजुअली $4 से $5 आई थिंक सो है, यही हिसाब किताब वॉलमार्ट में मिलता है। वॉलमार्ट में बहुत महंगे मिलते हैं। चिकन वगैरह मिल जाते हैं यहाँ फ्रेश। और यहाँ पर भाई घर का मतलब कपड़े वपड़े धोने का सामान। तो मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो में क्या करेंगे, कुछ तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए। भाई आ रहा है, भाई के साथ टाइम पास करूँगा, बट उसके साथ साथ आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। मेरा ब्लॉग आए और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो मुझे मज़ा नहीं आता। अब ये सारी चीज़ें तो स्कैन हो जाती हैं, बट बनानास लिए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड बनानास वे ये आए हैं बनानास रॉ 0.93, नॉट इवन अ डॉलर, नॉट बैड यार। मेरा टोटल हुआ है $18। देखो मैंने कितना सामान लिया है। बनानास लिए, ब्लूबेरीज लिए, 2 पैकेट अंडे के लिए। आई थिंक ये फ़िश है, ये महंगी आई है मेरी, जो 11 मतलब ऑलमोस्ट $12 की आई है। मतलब फ्रेश सैमन रहते हैं, मेडिटेरियन हर्ब लगाए हुए हैं उन्होंने, अटलांटिक सैमन पोर्शन, अच्छा रहता है, आई लाइक इट, बहुत बड़ा पीस रहता है। स्मॉल रिसाइकल्ड बैग 69 सेंट्स का, जो मैंने बैग लिया। जाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूं। अरे भाई अभी तो कांड होने वाला था मेरे साथ।
इसलिए बोलते हैं ध्यान दे गाड़ी चलाओ। पीछे वो गाड़ी वाला खड़ा था और मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ पीछे का मिरर और गाड़ी पीछे लिए जा रहा हूँ। अच्छा वो बंदे ने हॉर्न मारा नहीं तो और आज का व्लॉग होता था एक्सीडेंट के ऊपर। बच गया, सच में बच गया। ये देखो भाई शहर के बीचों बीच हिरणों की टोली, बहुत सारे थे पीछे भी, मैं रिकॉर्ड नहीं किया, बड़े लोग सब रोड क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। वहाँ पर भी एक अंधेरे पे खड़ा है, मतलब झाड़ों के बीच में। भाई पहुँच गए, कितनी बार मैंने इस बैग के पैसे नहीं दिए। चलो भाई घर आ गए। अगर आपको ये जो घर है इसकी वीडियो देखनी है सलमान भाई के चैनल पे जाओ, सलमान भाई आए थे उन्होंने बनाई थी वीडियो। लॉक है भाई। Life is a winding road, no telling where it goes. भाई आ गया इधर, उसको लेकर मैं अपने एरिया में पहुंच चुका हूं। बालों की हालत थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और पहले उसने फोन अपना गाड़ी के अंदर किधर गिरा दिया। हाँ बिरे मिले फोन की हालचाल सब। हेलो, नाइस वीकेंड। नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड। देख ला अंदर गिरा मैं कितने। हाँ बिरे की खाना किया शाल, आज आए हैं शालीमार एंड वी आर गोइंग टू हैव सम गुड फूड। चल चल चल, यू हैव सम गुड फूड एंड एंजॉय आवर संडे। आइए आपका स्वागत है। आपका स्वागत है रेस्टोरेंट। पहला देख ला की चाहिए तेनों। हाँ बिरे कितना टाइम हो गया तेन अमेरिका आए? ऑलमोस्ट 1 ईयर। ऑलमोस्ट 1 ईयर। पहले पहले भाई को एकदम पसंद ही नहीं था, अभी खुद ही बोलने लग गया, अभी अच्छा लगता। पहले कंप्लेन करता रहता, अरे मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। बट देन भाई भाभी पहले यहाँ पर 5 साल रह के गए थे। कितने जगह दूसरे लोग ईस्ट ऑरेंज में वो लोग पहले काम करते थे, होटल का, होटल इंडस्ट्री में थे। और उन्हीं होटल इंडस्ट्री वालों ने इन्हें वापस से ऑफर दिया, तो ये लोग यहाँ पर आ गए। और अभी नाउ ही इज़ लाइकिंग इट, आई एम हैप्पी दैट ही इज़ लाइकिंग इट। तो क्या काम ही करता रहता है, तो हफ्ते में एक दिन, जैसे आप लोगों को बोला है कि एक दिन पार्टी तो बनती है, तो आज हमारी पार्टी नाइट है। खाना पीना लेके यहाँ से जाएंगे, घर में बैठेंगे, चिल करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, रिलैक्स करेंगे। एंड कुछ तो कुछ कहना, मम्मी भी देख दिया, मम्मी स्पेशली ये मम्मी के लिए, सोनिया के लिए। सोनिया को तो बहुत मिस करता हूँ मैं, मम्मी और सोनिया को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं हमारे घर के बारे में। चलो भाई फिर, आर यू रेडी? यस भाई बहुत खुश है आज। खाना ले लिया, यहाँ से निकल रहे हैं। ठंडी भी है, ठंड। हाँ इट्स नाइस, नाइस वेदर। अभी देखो चर्बी इसको, ये जो इंसान है, वहाँ से निकल रहे थे, कुछ मेरे दोस्त मिले और वो पान खा रहे थे। तो यहाँ पर पान भी मिलता है, बोलता है चल पान भी लेना है। बोला रहन दे यार नेक्स्ट टाइम, बोलता नहीं आज। पान इज मस्ट, पान इज मस्ट। तो जब हम लोग मीरा रोड में रहते थे, वहाँ पर था फाउंटेन रेस्टोरेंट, हम लोग खाना पीना खा के हो जाता तो हम लोग जाते थे फाउंटेन में, पान वान खाते थे, चिल करते थे, इंजॉय करते थे। आज भी कट रहा है गन्ना तेरा? हाँ काट रहे। हाँ काट ले। अंकल जी पान मिलेगा? हाँ मेरे को एक मीठा पान और एक एग्स का। अच्छे देख के तुम लगता ना नहीं इंडिया, इंडिया तो बाहर आया, इट फील्स लाइक इंडिया राइट। अरे अंकल यहाँ पर पान बना देंगे हमारे मस्त। अंकल पान कितने का है, मीठा पान? $1.50। और भाई का जो पान है वो कितने का है? $2। भाई का थोड़ा महंगा है। हेलो रोहन, रोहन yeah, you saw me today. I record that. I was telling my husband about this one time. Rohan doing this, Rohan doing this. And he was like, who's Rohan? Then I first said that to him. Shop was put on leave. Dal dijiye. So you know him by Instagram. It's like Rohan. How are you doing? Good. Yeah, it's just the style is 24. Then I saw that. Is it okay to put you guys in the vlog, right? I'm used to it now. Yeah, I actually come out for one day, maybe a 30 Yeah, following you every day. It's so nice. Even because I'm looking at your
पुराने ब्लॉग देख रहे हैं वो तो एक साल पहले की बात है बाकी मूव हो गए मैं सेल्फी ले लूँ प्लीज टैग करना मेरे को टैग कर देना चलो भाई ओ पैक कर दो दोनों दोनों पार्सल है मैं क्या क्या बोल रहे हो Let's go to Daisy Galaxy. You were saying about the oranges. So the oranges. Wow. I had oranges one time. क्या बात है यार. क्या बात है क्या बात. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye auntie. Bye bye. See you. चलो भाई बहुत अच्छा लगा पता सुनकर के YouTube रिकमेंड कर रहा है हमारी वीडियोस और ये लोग कब से फॉलो कर रहे हैं मुझे बोल रहे हैं और इट फेल्ट गुड हाउ आर यू फीलिंग आई एम फीलिंग वेरी गुड आर यू प्राउड ऑफ मी यस आई एम वेरी मच चलो फाइनली घर के लिए निकले और अच्छा लगा है जब रैंडम लोगों को मिलते हैं और वो आप लोग को जानते हैं वो बोल रही थी कि यू नो वो यहाँ पर आए हैं वो लोग गन्ने का जूस स्पेशली गन्ना नहीं मौसम्बी का ऑरेंज जूस पीता मैं स्पेशली उन्होंने वो मंगाया पिया और जिस मंदिर में मैं जाता हूँ वो मंदिर के बारे में उन्होंने मुझे मैसेज किया था आई एम सो सॉरी मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था अभी क्योंकि मैंने देखा नहीं शायद मैसेज कभी स्किप हो जाते मैसेजेस बहुत सारे तो आई एम सो सॉरी बहुत लोगों को जो लोग मैसेज करते हैं और कितनी बार मैं यू नो लाइक रिप्लाई नहीं दे पाता अभी सोचो मैं व्लॉग कर रहा हूँ भाई के साथ बैठा हूँ आप लोग मैसेज कर दिया तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ तो दैट इज़ द रीज़न मैं नहीं देख पाया था बट हाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा ऐसे रैंडम लोग जब मिलते हैं और यू नो एक परिवार का हिस्सा फील होता है कि इतनी दूर बैठे हैं हम फिर भी लाइक जब प्यार से कोई आके दो बातें बोलता है करता है तो इट फील्स सो गुड की जाना मेरा भाई तो सिर्फ हाँ फील वेरी गुड है मेरा भाई थिएटर आर्टिस्ट उसको बातें करने बोलो बहुत सारी कर लेगा बट कैमरा के सामने नहीं करता है आई कैन डू इट और आज अगर मम्मी बहन सब साथ में होते हैं हम लोग तो कितना मजा आता है इट वुड बी सो नाइस आज बहुत मिस कर रहा हूँ मेरी बहन को स्पेशली बहुत याद आती है उसकी और आज मदर्स डे है और ये ब्लॉग मैं लेट डालूंगा तो बहुत याद आती है घर की सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबडी पता है कि लेट डाल रहा हूँ ब्लॉग लेकिन हाँ इट इज अभी इट्स टाइम फॉर पार्टी बाहर की लाइट मैंने बंद करके रखी थी यार बाहर की लाइट चालू होनी चाहिए हमेशा बट कोई बात नहीं बंद है तो भी ठीक है चलेगा